अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैथ्स में इंजॉय कर रहे होंगे। मैथ्स को इंजॉय कैसे करते हैं? जब आप इसको डिफरेंट टाइप से सॉल्व करते हैं और अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको इंजॉयबल लगता है मैथ्स, ठीक है ना? कि आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ गेम्स में नंबर से प्ले करते हैं तो फिर अच्छा लगता है। अच्छा जी, हमने जो मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल्स किए थे, क्या आपको वो समझ आए थे? क्या आपकी टीचर ने आपको कॉल किया, आपने उनको बताया कि आपने किस तरह से एग्जांपल्स को सॉल्व किया है और समझा है? क्या आपने टेबल्स को रिव्यू किया? स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जो मैं आपको बोलूँ वो आप कम्प्लीट करें, ताकि हम आगे बढ़ें तो आपको कोई मुश्किल ना हो। अच्छा जी, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रही हूँ, ठीक? क्या करना है हमें? ऑन पेज नंबर 48 बुक को अपने सामने ओपन रखना है और स्क्रीन पे भी फोकस करना है, लेकिन गौर कहाँ करना है? मैं जो बता रही हूँ उस बात पे गौर करना है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जैसे हमने एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है? सो सबसे पहली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी हमने पढ़ा था, और उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, आए देखते हैं। और मल्टीप्लिकेशन स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स इज द सेम नो मैटर हाउ दे आर ग्रुप्ड। क्या होता है इसमें कि अगर एग्जाम्पल से समझ आएगा, 2 × 3 × 4, मल्टीप्लाई को हम इनटू भी कहते हैं, ठीक है? सो 2 × 3 × 4 या फिर 2 × 3 × 4 सेम बात है, ठीक है? इक्वल्स टू यानी कि बराबर हैं 2 × 3 × 4, सब कुछ सेम है, तो फिर क्या डिफरेंस है इसमें? एग्जैक्टली, ये स्मॉल ब्रैकेट का डिफरेंस है। पहले स्मॉल ब्रैकेट जो है वो 2 और 3 के दरमियान में है, फिर अगले इक्वल टू के बाद ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो 3 और 4 के दरमियान में है। इससे क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट ये कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाए। तो ब्रैकेट सॉल्व में हमारे पास 2 × 3 है, अगले स्टेप में देखें 2 × 3 gives you 6, ठीक? और उस तरफ देखिएगा 3 × 4 gives you 12, ठीक है? तो हमने पहले क्या किया, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, और इस तरफ जो है हमारा 4 रह गया और उस तरफ हमारा 2 रह गया। आया अब उनको नेक्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में सॉल्व करते हैं, 6 × 4 gives you 24, यानी कि हमें क्या करना है, 6 का टेबल को 4 टाइम्स पढ़ना है, 4 तक पढ़ना है, ठीक है? 6 × 1 × 6 × 2 × 12 × 3 × 18 × 4 × 24। इसीलिए मैंने कहा है कि आप टेबल्स को रिवाइज रखें, टच में रखें, आपको टेबल्स आने चाहिए, ओके? हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कम टू द अदर स्टेप, हेयर इज 2 × 12, तो 2 को 12 टाइम्स या 12 को 2 टाइम्स हम रीड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 24 ही बन जाएगा। अगर हम पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे राइट एंड लेफ्ट में लिखे हुए हैं, ब्रैकेट्स में बने हुए हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट प्रोडक्ट सेम होगा। यही कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दैट नंबर्स अनग्रुप्ड हो या एक तरफ दूसरी ग्रुप हो, दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप हो, तो फिर भी रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। गेटिंग माई पॉइंट? वाओ, ग्रेट। सो कम टू द नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट्स द अदर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम डज नॉट चेंज व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। जब हम उसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, तो भी रिजल्ट में, प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है 2 × 3 = 3 × 2। 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ें या 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ें, क्या होगा रिजल्ट, सिमिलर होगा, सेम होगा, यानी कि ऑर्डर से डिफरेंस नहीं होता। That is called commutative property, क्या आपको याद रखनी है। And the other example is 5 × 7 × 9 = 9 × 5 × 7।
इसका मतलब है कि 5 को मल्टीप्लाई 9 से करें, 9 को मल्टीप्लाई 7 से करें, यानी कि पहले इस तरफ करें या उस तरफ करें, नंबर्स को आगे पीछे करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन गिव्स सेम आंसर, सेम प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा जब तक नंबर सेम होंगे, ऑर्डर डिफरेंस नहीं होगा। ओके, गेटिंग? सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने आज देख ली है। अब हम अगली बार एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अपने अपने टेबल्स को अच्छे से रीड कीजिएगा और रिव्यू कीजिएगा और इस काम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? जब टीचर आपको कॉल करे तो उनको बताइएगा कि आपने आज प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक, और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और होमवर्क में क्या लिया है आपने, टेबल्स को रिव्यू करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।